ये तस्वीरें हैं वृक्षारोपण मुहिम की जो एनडीएमसी चला रही है। इस मुहिम के तहत पूरे एनडीएमसी इलाके में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली के पालिका ऑफिसर्स क्लब में पौधे लगाए गए। एनडीएमसी ने इस इलाके में लगभग 10 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाने की एक मुहिम छेड़ी है। हमारा मकसद है कि ऑलरेडी जो हमारा एरिया हरा भरा है उसकी और ग्रीनरी को बढ़ाया जाए और यहाँ के पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। इसकी ग्रीनरी जो अभी 48% है उसको 50% तक ले जाया जाए। इस मुहिम के दौरान एनडीएमसी के अध्यक्ष नरेश कुमार, सचिव चंचल यादव, जानी मानी अभिनेत्री जयप्रदा, एपीएन के चेयरमैन प्रदीप राय, पालिका ऑफिसर्स क्लब के जीएम सुधीर कुमार सिंह ने पालिका ऑफिसर्स क्लब में पौधे लगाए। इसमें एनडीएमसी के कई ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। मैं बधाई देना चाहती हूँ एनडीएमसी को, उन्होंने इस मुहिम चलाकर लाखों पेड़ के इसको जो इस दिल्ली को शुद्ध करने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और प्रकृति ने दिया है, ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, तो इसको रक्षा करना इंसान के लिए हर इंसान का एक फर्ज बनता है। एनडीएमसी के इस अभियान के तहत 50 से ज्यादा देशों के दूतावास में भी पौधे लगाए गए। इस मुहिम की शुरुआत से अब तक 7 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। देखिए, अच्छा है, ऐसा है कि जब पर्यावरण की रक्षा अगर नहीं होगी और वृक्ष अगर नहीं लगेंगे तो ये बिल्कुल एक तरह से संकट की घड़ी है। लगातार मनुष्य ने, हम लोगों ने पिछले 200 सालों से वृक्षों की कटाई ही की है, क्योंकि आबादी का जो भार था वो भी वृक्षों के ऊपर डाल दिया। तो वृक्षों को लगाने की जो मुहिम है एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है एनडीएमसी का, और 10 लाख पेड़ लगा रहे हैं तो एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि बाकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं देश के, उनको भी ऐसे ही काम करने चाहिए और उनको भी वृक्ष लगाने चाहिए। पिछले साल की तरह एनडीएमसी इस साल भी जोर शोर से पर्यावरण को स्वच्छ और दिल्ली को हरा भरा बनाने की मुहिम में जुट गई है। दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे मुहिम को और बढ़ावा देने की जरूरत है। सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली।